कांग्रेस, बीजेपी, वंचित बहुजन अघाड़ी, ये तमाम पार्टियां आमने सामने पुणे में, हमने आपको बताया कैसे ये शिक्षा का केंद्र है, तो इसी के साथ साथ आईटी, इंजीनियरिंग, इन सब के भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर हैं। लेकिन क्या विकास के जितने सपने इस बहुत ज्यादा आबादी वाले शहर ने देखे वो पूरे हो गए हैं? क्या है यहाँ पर लोगों की राय? असली वाली शिवसेना कौन, असली वाली एनसीपी कौन, ये सब जानेंगे यहाँ पर पुणे में मौजूद लोगों से। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर आज जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन रविंद्र डांगेकर जी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ भाई स्वागत कीजिए इनका। और वसंत मोरे जी जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी से हैं, ये दोनों हमारे साथ हैं। इन दोनों से जानेंगे क्या है उनकी बात, लेकिन कुछ अन्य लोगों से शुरुआत करते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं पुणे में? नहीं बोलना है, कोई इश्यूज नहीं है, फर्स्ट टाइम वोटर है जी, फर्स्ट टाइम वोटर है। कुछ तो सोचा होगा? नहीं, कुछ नहीं सोचा। एजुकेशन के हिसाब से जो कंपनियां यहां पर हैं, आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज है युवाओं के लिए? जैसा अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ पे पुणे में है। आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं। मैडम से लो, नमस्कार। पुणे तिथे का उन्हें ये हम कहते हैं कि पुणे वहाँ पे क्या कमी है। सो ये साधारणता हमारी यू नो थॉट प्रोसेस है, एंड इट्स नॉट अननेसेसरली नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। सो डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बस यही है कि वो सही मार्गदर्शन से पहुंचे लोगों तक, यही इच्छा है। बीजेपी के भी लोग हैं, आपने देखा इधर भी बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये अजीत पवार जी की तस्वीर है और यही सुनेत्रा पवार जी बगल से लड़ रही हैं बारामती से चुनावी मैदान में। जनता को समझाने में मुश्किल हो रही है कि हम ही असली वाले एनसीपी हैं, क्योंकि उधर से सुप्रिया सिले भी हैं, भाभी और ननद आमने सामने। बिल्कुल ही नहीं, एनसीपी का जो चिन्ह है, गड़ा है, वो हमारे पास है और लोगों को मालूम है कि चिन्ह उन जिनके पास है वो असली एनसीपी है। और जो सुप्रिया था ये उनके पास तो अभी उनको तुतारी दी हुई है, उनको तकलीफ हो रही है कि उनका चिन्ह लोगों तक पहुंचने के लिए। अब कांग्रेस के उम्मीदवार और वीबीए के उम्मीदवार दोनों से बातचीत करते हैं। विधायक तो आप हैं ही, सांसद बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन सुरेश कलमाड़ी आखिरी बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2009 में जीते, 3 बार वो बने, लेकिन 14-19 बीजेपी लगातार जीत रही है, फिर आपका क्या चांस है? अभी 10 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और 2 बार, 1 बार अनिल शिरोय साहब आए, 1 बापट साहब आए, और 10 साल में जो पुणा का काम चल रहा है, तो 10 साल में 70 साल में कांग्रेस पार्टी का, ये जो बात बोल रहे, तो 70 साल में 15 साल तो बीच में विरोधी पार्टी का सरकार था, और 10 साल में हम जो देख रहे पुणे का, तो पुणे का समस्या बढ़ गई थी। आज अपन देखेंगे तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, पर्यावरण का प्रॉब्लम है, बच्चों युवक का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है और किसानों का प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम अभी 10 साल में खड़े रह ले, और सब अपने को गारंटी दे के अभी तो कुछ किया नहीं, तो हमने अभी न्याय देने वाले का काम चालू किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये बात सही है। मोदी जी के वैसे तो बीजेपी के बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ पर हैं जो आम लोग भी हैं, जिनको लगता है कि मोदी की गारंटी में उनको विश्वास आता है, कि पीएम के तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं? पार्टी वाले लोग ही, और मुझे लगता है यहाँ पार्टी के ही लोग हैं। अच्छा, आप कांग्रेस वाले हैं? यस। ठीक है, देखिए इन्होंने ईमानदारी से बताया कि हम भी कांग्रेस वाले, हम कैसे हाथ उठाए। कांग्रेस पार्टी न्याय की बात करिए, एक रिएक्शन जल्दी से आपसे, इधर गारंटी है उधर न्याय है, जिनके पास मैं उनके पास। बिल्कुल, ये जो हम जो इलेक्शन में जा रहे हैं, ये आज के कल के परसों के नहीं, 2047 के विजन से हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट यहाँ पे गर्व और घमंड से नहीं, हमारे मोदी जी ने और जो हमारे कैबिनेट ने ये 10 साल में जो किया, जो 70 साल में नहीं हुआ था, इसको लेकर, ये विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 47 की प्लानिंग कौन कौन कर रहा है, आप लोग क्या सोचती हैं, और महिलाओं के तौर पर आपके मन में क्या है? कौन बोलेगा? महिलाओं के लिए अभी जो बीजेपी सरकार ने महिला धोरण किया है, जो अभी लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री में दिया है, तो अभी पहले जो सरकार थी उन्होंने नहीं दी थी, तो हमें विश्वास है कि आगे भी महिलाओं के लिए हमारे अच्छे काम होंगे। आपको ऐसा लगता है? हाँ, सच में लगता है, क्योंकि अभी हमारे आदित्य ताई ने अभी वो महिला धोरण किया, तो इस वजह से तो अभी लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ, आप नहीं बोलेंगे, इधर से कौन बोलेगा, आप बोलेंगे? जी जरूर, इस बार 400 पार जरूर होने वाले हैं। हाँ, मोदी सरकार आने वाली, 400 आपने भी गिन लिया है? हाँ। कहाँ की कितनी सीट गिनी है? गिने वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन इस बार 400 पार पक्का होने वाला है। आपको लगता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होकर लड़ाई रह जाएगी, या वीबीए जैसे आपकी पार्टी एक इम्पैक्ट बना पाएगी? मुझे तो मैं इसे एक सेकंड एक टोक रही हूँ आपको, इस बार जनता महाराष्ट्र की कंफ्यूज है, शिवसेना अब 2,
एनसीपी दो, बीजेपी, कांग्रेस, अब इन छह से निपटे कि फिर अगली पार्टियों की तरफ? इसलिए तो बीबीए के पास सब लोग हमें ज्यादा चॉइस करते हैं, क्योंकि जब हम लोग सामने बैठते हैं कि इतने साल से हम लोग साथ में हैं, लेकिन अभी पता ही नहीं चलता कौन एनसीपी ए से है, कौन बी से है, कौन शिवसेना से है, इसीलिए पब्लिक भी इसमें कंफ्यूज है। तो इसीलिए पुणे में हमने एक बीबीए का बहुत अच्छा पर्याय रखा है, और मुझे लगता है कि पुणे में लोग इनको नहीं चॉइस करेंगे, बीबीए के साथ जाएंगे। आप लोग आइए, आप में से कौन बोलेगा, किसको हाथ उठाए, आप बताइए। पहले ये जानना चाहिए, पुणे लोकसभा का जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो पुणे शहर के माजी महापौर है, 20 साल से नगर सेवक है, स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पुणे का विकास किस तरह से होगा। पुणे में उनको मेट्रो मैन से जाना जाता है, पुणे में उन्होंने पीएमपीएल का साटा दिया है, पुणे के विकास के डेवलपमेंट के लिए पिछले 20 सालों से जो कार्य कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी बीजेपी के खासदार वही पुणे से चुने जाएंगे। एक सेकंड, जरा आम आदमी पार्टी के भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, उनकी भी राय जानते हैं। छह पार्टियां ये हो गई, वीबीए हो गया, और आप क्या, आपको लग रहा है कि आठवें पार्टी के तौर पर आप अपनी धमक बना पाएंगे 48 सीटों? नहीं, जरूर मैडम, हम लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी भी सत्ता में आ जाए। फिलहाल पुणे से हम लोग कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, बट आपने थोड़ी देर जो पहले जो सवाल पूछा कि क्या हुआ है पिछले 10 सालों में, गारंटी का क्या हुआ, कोई भी गारंटी हमारे हिसाब से पूरी नहीं हुई। 15 लाख रुपए देने की घोषणा हुई थी, वो नहीं हुई। काला धन वापस आने की घोषणा हुई थी, वो नहीं हुई। पुणे में ड्रग्स रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं, पुणे में गोलीबारी हो रही है, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। क्या करें हम लोग, कॉमन सिटीजन क्या करें, एजुकेशन के लिए कुछ ज्यादा ये नहीं हो रही है। हम लोग पूरा कर ले, मैं आ रही हूँ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इतना बड़ा घपला हो रहा है। देखिए मैडम, ये जो पंद्रह लाख के बोल रहे हैं, सबकी आवाज ये दबा रहे, मोदी जी ने 70,000 करोड़ घपले का आरोप लगाया अजीत पवार पर, और 3 दिन में उनको डेप्यूटी सीएम बनाया छगन भुजबल। हम झूठ की आवाज दबा रहे, ये झूठ, अब जवाब का झूठ नहीं चलेगा, जेल की झूठ की आवाज दबा रहे। हाँ, झूठ की आवाज। देखिए मैडम, पुणे में 2010 में जर्मन बेकरी वगैरह का यहाँ पे बॉम्ब स्फोट हुआ था, आपको याद है, हुआ था कि नहीं? पूरा विश्व में उसकी जांच हुई थी, जेएम रोड पे बॉम्ब रखा गया था। पिछली बार एक साल भी नहीं हुआ कोथरूड में, अरे विकास में सुरक्षा होगी तो ही विकास होगा, सुरक्षा भी और विकास भी, सुरक्षा। आपका नेता तो जेल में है, आप क्या संगठन करेंगे? आपका नेता जेल में है, जेल में शुगर बढ़ रहा है, उधर का आपकी बार 400 बार। आप आइए, आप बोलना चाहते मैडम? मैडम बोलिए। मैडम, पुणे में पिछले 10 साल में विकास नहीं हुआ है, 2 एमपी चुनके आए बीजेपी के, सुरेश कलमाड़ी के बाद इधर विकास हुआ नहीं है पुणे में, क्योंकि आप देखो एक भी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है इनका। और जो पंतप्रधान भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भोपाल में पंतप्रधान ने कहा था कि सिंचन घोटाला में 70,000 कोटी का भ्रष्टाचार हुआ है, नेशनलिस्ट कलम पार्टी, और उनके साथ अभी वो उप मुख्यमंत्री है, उनके साथ डैश शेयर करते हैं। उनकी पार्टी की नेता हाथ उठा रही है, जवाब दीजिए, जो अभी बाहर है बीजेपी की मशीन में धुल गए। हाँ, वो उनको लगेगा ही वो बीजेपी के मशीन में धुल गए, क्योंकि मैं उनसे कहना चाहती हूँ, बार बार 70 करोड़ का घोटाला, 70 करोड़, वही नेता वो 70 करोड़ मुझे यहाँ कहना है कि वही अजीत दादा महाविकास आघाड़ी के चलाने में आगे थे, तब उसके आगे पीछे आप थे, आपके यहाँ थे तो वो नेता थे, और अभी उनको जो भ्रष्टाचार में क्लीन चिट मिल गया और वो संविधान से बीजेपी के साथ गए, तो वापिस आप उनको बोलने लगे कि उनके ऊपर आरोप है, ये जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड, सवाल तो सुनिए, उनका कहना है कि आप इतने भ्रष्ट लोगों को रखते क्यों है कि उनकी मशीन में धुलने जाना पड़ता है? महाविकास आघाड़ी में थे ना, इन्होंने ही भ्रष्ट कहा, इन्होंने अभी प्रूव कर दिया है ना। पंतप्रधान ने बोलना चाहिए कि जो भोपाल में 70,000 कोटी का उन्होंने बोला, उन्होंने दो लोगों को झूठ बोला क्या, देश के लोगों को? या तो उन्होंने कहा कि 70,000 कोटी का उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने प्रूव करना चाहिए, उन्होंने इसके बदले झूठ बोला जनता को। ये जो इलेक्शन है ये लोकसभा का इलेक्शन है, मोदी सरकार, आपकी बार, मोदी सरकार।
जो भाई साहब बोले उनको पूछो रविंद्र दंगेकर के लिए अजीत दादा ने कैसे प्रचार किया था, तब कहां गए थे भ्रष्टाचार के आरोप। कुछ बोलिए, यहाँ के क्या मुद्दे, क्या सोच? हमारे मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे हैं जो कि नॉर्मल पब्लिक के होते हैं। जो हर भी कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी आएगी उनके मुद्दे कभी भी क्लियर नहीं होते हैं, ये सब ऊपर ऊपर का दिखावा है। कभी भी कोई भी आदमी कोई ग्राउंड लेवल के आदमी के लिए काम नहीं करता है, और हमें ये सब देखना जरूरी है। नारे नारे लगने शुरू हो गए, इधर मोदी मोदी, इधर कुछ और, इधर राहुल गांधी। ये चाहे कितना भी हल्ला गुल्ला करे लेकिन पुणे की जनता समझदार है। बेरोजगारी का मसला हो, यहाँ पर जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, मणिपुर का मसला हो, ये लोग उठाकर ही कांग्रेस को और हमारे रविंद्र दंगेकर को चुनकर देंगे। क्योंकि जो ये बोल रहे हैं कि महापौर थे, स्टैंडिंग स्मार्ट सिटी कहा गई, इसका सवाल इनका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो डिमोनेटाइजेशन था उसके बारे में जो घोटाला हो गया उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो महिलाओं पे अत्याचार हो गया उसका जवाब देना पड़ेगा। पुलवामा का जो हत्या हो गई थी उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये जवाब लेकर ही जनता मतदान करेंगी। कोरोना में जो पुणे सिटी के अंदर जो 56 डेथ रेट था, सेकंड वेव में 76 हो गया कोरोना में। और ये लोग, ये बीजेपी वाले वो टाइम में पुणे वालों को संभालने की वजह से टेंडर लगा रहे थे। कोविड के टाइम पे किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी ना पुणे में। तो ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी। अच्छा, केंद्र की अगर मुंबई की चौकशी होती है वहाँ पे चौकशी लग जाती है, पुणे में क्यों नहीं लगती? फिर पुणे में भी वही लगना चाहिए ना, पुणे की चौकशी क्यों नहीं हो रही? फिर कह रही थी महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त। कांग्रेस के राज में पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे घर में घुस के मारते थे, मोदी के राज में हम उनके घर में घुस के मारते हैं। मोदी मोदी मोदी। मैडम हम फर्स्ट टाइम हिंदी मीडिया को फेस कर रहे हैं, तो आपको ये हिंदी मीडिया को ये जानकारी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल एक बड़ा फैक्टर है, उसको आप सीरियसली लीजिए। 100% लग रहा है, क्योंकि आप उस पर नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही है। आइए आप लोग आइए, जरांगे पाटिल बड़ा फैक्टर है। क्या इश्यूज है आपके? क्या इश्यूज है? क्या यूरो वोटर है ना, तो क्या सोच के आप वोट डालते हैं? क्या मुद्दे आपके मन में? आफ्टर एजुकेशन आई फील दैट जॉब्स इजीली अवेलेबल होने चाहिए यूथ को, नौकरियां और नौकरियों के लिए इंतजाम होने चाहिए। नहीं, वोटर्स को बोल दीजिए आप आइए, क्या मुद्दा सोच के आप वोट डालते हैं? द रोड्स, एवरीथिंग इन द रोड्स शुड बी, सड़कों पर लगता है कि ठीक है या पुणे में अभी? इट्स फाइन आफ्टर द बीजेपी हैज कम, आई सपोर्ट बीजेपी राइट नाउ। बेटर एजुकेशन, बेटर रोड्स, बेटर बीजेपी आने के बाद रोड्स तो बहुत बेटर। अभी मेट्रो भी आ जाएगी तो बहुत ट्रांसपोर्टेशन में इजी पड़ेगा। मैडम हमारे जो उम्मीदवार है माननीय मोदी जी, उनके उम्मीदवार का वो नाम ही नहीं ले रहे। हमारा विजन है मोदी जी जो विकास की गंगा पुणे में। ठीक है, एक सेकेंड अब हर पार्टी से मैं एक एक आदमी से सवाल पूछूंगी। सवाल बहुत सीधा है जो उन्होंने इशू उठाया, वो कह रहे हैं कि मोदी के ही अगेंस्ट या मोदी के फॉर पूरी लड़ाई हो रही है, आप लोग अपने नेता का नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्या ये 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हो रहा है? आपका क्या इशू से? प्लीज सिट डाउन मोदी के इर्द गिर्द यहाँ से शुरू करते हैं, एक एक कर आप डिसाइड करो किसको बोलना है पार्टी से। पिछले 10 साल में मोदी जी बिल्कुल पूरी तरीके से फेल गए। महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी चरम पर है, गुनेगारी बढ़ गई। कह रहे थे आप केजरीवाल जी के नारे क्यों नहीं लगाते, मोदी जी के खिलाफ क्यों लगाते हैं, ये सवाल। देखिए हम महाराष्ट्र में खड़े हैं, महाराष्ट्र में हम कोई सीट नहीं लड़ रहे, हम इंडिया गठबंधन के साथ है और हमारी लड़ाई इस तानाशाही के खिलाफ है। जिस तरीके में महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ी गई है, जिस तरीके से एमएलए की खरीदी हो गई है, जिस तरीके से करप्ट मंत्रियों को वॉशिंग मशीन में नहलाकर उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी। आप लोग डिसाइड करो बीजेपी से कौन बोलेगा। ये जो बोल रहे तानाशाही, 10 साल की तानाशाही इतनी अच्छी थी कि एक भी बॉम्ब स्फोट
इंडिया में नहीं हुआ, एक भी जातीय दंगला नहीं हुआ। सुरक्षितता अगर नहीं होगी तो प्रगति कैसी होगी? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अजीत पवार गुट का पक्ष रखिए, क्या ये पूरा इलेक्शन पीएम मोदी के इर्द गिर्द हो रहा है? देखिए, पीएम मोदी ने जो भी काम किए उन्होंने सामने रखे, उनके साथ हम अलायंस में है। जो जनता अभी देखेगी कि कौन सा लीडर उनकी पानी की समस्या, ट्रैफिक की समस्या अच्छी तरह से सॉल्व किया है। अभी 10 साल तक मोदी साहब ने जो दिया है उसके भरोसे पे जनता उनको वोट देगी। आपके कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, आप बताइए क्या पीएम के इर्द गिर्द इलेक्शन हो रहा है? बात ऐसी कि जो सत्ते में उसके 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 साथ बात करने वाले सब लोग, मोदी साहब ने क्या किया वो बात होने वाली है, थोड़ी दूसरी पार्टी की बात होने वाली नहीं। अभी जो सब बोल रहे हैं ना, तो 15 लाख की गारंटी है क्या? नहीं, वो आयुष्मान कार्ड है कि उसकी गारंटी नहीं, किसकी गारंटी नहीं उसको अभी सब लोग को मालूम गिरेला। ये इंडिया में कुछ होने वाला नहीं, अभी गारंटी गारंटी करके लोग को फंसाया और लोग को कुछ मिला नहीं। अभी एक मिनट जुमला, और जो बोल रहे हैं ना केजरीवाल साहब रहेंगे और हमारा अजय दादा रहेंगे, सब लोग को इतने तकलीफ दे के लेके गए, ऐसा नहीं। हमारा अजय दादा ब्लैकमेल करके गए, अजय दादा क्या सीधा सीधा गए नहीं, आज घर तोड़ेला है उनने, शिवसेना का घर तोड़ेला। और ये सब एक ही गट्टे के घर में वाले एक खून के लोग हैं, और उसमें ये लोग ने जो कायदा लगा के उनको लेके गए, ये बात सही नहीं है। और जो आप ये जो बोल रहे हैं ना, वो ऊपर से बात कर रहे हैं, अंदर से कौन बात कर रहे नहीं। और ये जो बात है सब आखिरी पार्टियां देखिए, आप ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी के इर्द गिर्द इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर किसके साथ में लड़ेंगे? अगर इनके पास बार बार 2014 में भी, अब की बार मोदी सरकार, 2019 में भी वही, और अभी भी वही, अब की बार, अरे दूसरा अगर कोई रहेगा ना, इन्होंने रखा ही नहीं ना कोई। अगर इनके पार्टी में ये खुद किसी को नहीं बढ़ा रहे, खाली मोदी और शाह इसके बारे में अगर उनके खिलाफ ही बोलेंगे ना, फिर इनके खिलाफ क्यों बोलने का? और उनके पार्टी में सब कांग्रेस, मोदी सरकार के राज में लास्ट 10 ईयर्स में मुस्लिम जमात, माइनॉरिटी जमात इतनी खुश है, 370 अबॉरिगेशन, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप देखेंगे ये देश विकसित। अली दारू वाला जी, अली जी, बहुत लोग ये मानते हैं कि बीजेपी जो ठीक है, कई जगहों पर अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी तरफ जो उनका व्यवहार है उसको लेकर प्रश्न खड़े होते हैं। बिल्कुल, जो आप गुजरात के मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं वो उनका वैयक्तिक, मैंने नहीं बोला गुजरात, मैंने बोला गुजरात का हुआ था जो लास्ट 10 डेज जो चला है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्पसंख्या समुदाय ये देश में काफी खुश है, 8-10% मुस्लिम्स बीजेपी के साथ जुड़ी है, और आने वाले दिनों में ये मैजिक जो चलेगा, मोदी मैजिक, ये आप सब देखेंगे। मणिपुर का इंसिडेंस, पंतप्रधान मणिपुर क्यों नहीं गए? उधर इतना अत्याचार हुआ क्रिश्चियन लोग पे, मणिपुर क्यों नहीं गए? आज तक नहीं गए, क्योंकि वो नहीं जा सकते। जो हिसाब से उन्होंने लोगों के साथ जो क्रूरता की, देश जवाब पूछ रहे हैं उनको, क्यों मणिपुर नहीं गए? माइनॉरिटी कहाँ खुश है? इसी के साथ, तालियों के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सोने के आलू मिले शायद इनको, जनता डिसाइड करेगी। पुणे के लोगों ने कहा जल्दी से आइए, छोटा सा कमेंट। हमारे सहयोगी अब हमारे साथ यहाँ जुड़े पुणे से, आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, कौन से इशू सबसे ज्यादा डोमिनेंट है? इंटरेस्टिंगली पूना की जो हम लड़ाई बोल रहे हैं कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी, वो होने वाली है नहीं। पुणे की लड़ाई जो है वो लोकल इश्यूज पे होगी। इफ यू गो टू द और कंटेस्टेंट, यू विल गेट टू नो नेशनल इश्यूज पे नहीं है, नेशनल इश्यूज पे नहीं बात करेंगे। बीजेपी वांट टू कीप इट ऑन द नेशनल इशू, लेकिन बाकी के जो उम्मीदवार है उन्हें वो रीजनल इश्यूज पे रखनी है। बिकॉज नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी नैरेटिव जो है वो ये देना नहीं चाहते, दे वांट टू बी ऑन द एडवांटेज, फिर बीजेपी ले जाएगी। इसी के साथ पुणे से हमारी कवरेज में इतना ही।